नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक EPS 95 पेंशन धारक की पेंशन को एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर रिवाइज करने के लिए EPFO द्वारा यहां पर एक लेटर जो है वो लिखा गया है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर एक पेंशनर है सुरेश पी सुरभी, तो उन्होंने जो है वो अपनी EPS 95 पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो पेंशन है तो उसे रिवाइज करने के लिए EPFO को एक एप्लीकेशन किया था। तो उस एप्लीकेशन की बेसिस पर EPFO द्वारा यहाँ पर उन्हें जो रिप्लाई दिया गया है तो उसमें कुछ कंडीशन हायर पेंशन के भुगतान के लिए रखी गई है। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि केरला हाईकोर्ट द्वारा EPS 95 पेंशनधारकों के अपने फैसला दिया गया था, तो उसी बेसिस पर यहाँ पर ये जो पेंशन रिविजन का एप्लीकेशन है वो किया गया था। तो जी दोस्तों, यहाँ पर EPFO द्वारा ये जो रिप्लाई दिया गया है और इसमें जो कंडीशन बताई है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये जो पत्र है वो 23 मार्च 2020 को श्री सुरेश पी सुरभी जी को लिखा गया है, जिसमें कहा गया है रिविजन ऑफ पेंशन अंडर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ऑन एक्चुअल सैलरी एक्सीडिंग द स्टैट्यूटरी वेज इन टर्म्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला जजमेंट राइट पिटिशन नंबर 33627/2016 रिगार्डिंग। तो जी दोस्तों, यहाँ पर केरला हाईकोर्ट द्वारा ये जो राइट पिटिशन नंबर है 33627, तो उसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया था तो उसकी बेसिस पर EPS 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उसे जो है वो रिवाइज करने के लिए कहा गया था। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर इन्होंने जो एप्लीकेशन किया है जिसका रेफरेंस भी इस पत्र में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस नंबर 2098/2019 फाइल इन राइट पिटिशन नंबर 33627/2016 का भी रेफरेंस दिया गया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आगे इस पत्र में कहा गया है इन ऑर्डर टू मेक यू एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी एज पर द टर्म्स ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला इन राइट पिटिशन नंबर 33627/2016 कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 इज टू बी रिमिटेड ऑन योर फुल वेजेस और सैलरी फ्रॉम 16th of November 1995 और द डेट ऑन विच योर वेजेस और सैलरी क्रॉसेस द स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग As per the annual return submitted by your employer, the amount payable by you from 16th of November 1995 to the date of leaving service with up-to-date interest is calculated after adjusting contribution already made under the Employee Pension Scheme 1995. You are therefore requested to remit the any of the following amount by way of demand draft payable at Kottayam in favor of Regional Pay Commissioner Kottayam. The amount to be remitted on or before 31st of March 2020 is 12,17,033 rupees. Or the amount to be remitted on or before 13th of April 2020 is rupees 12,25,805 rupees, or the amount to be remitted on or before 31st of May 2020 is rupees 12,34,578. In case of the amount is remitted after 31st of May 2020, further interest at the rate of 8.65 per annum is required to be remitted. Please note that the Employee Provident Fund Organization has filed a review petition number 1430-1431/2019 and the Union of India filed a special review petition number 16721-16722/2019 before the Honorable Supreme Court of India in the matter, and the higher pension that may be payable to you is subject to the outcome of the said review petition as special review petitions. तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो दो कंडीशन लिखी है तो वो काफी महत्वपूर्ण है, जो कि पहली है कि इनको ये जो रिमिटेड अमाउंट है तो वो EPS में उनको पहले कॉन्ट्रीब्यूट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ पर एक रिव्यू पिटिशन और स्पेशल रिव्यू पिटिशन दाखिल किया गया है तो उसके ऊपर जो आउटकम आएगा उसके बेसिस पर हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, ऐसा इस पत्र में साफ साफ कहा गया है।
इस पत्र में कहा गया है कि ये जो पेंशन धारक है तो वो उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर हायर पेंशन पाने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, पर उनको ये जो अमाउंट यहाँ पर दी गई है तो वो पहले जमा करनी होगी, उसके बाद जो स्पेशल लीव पिटीशन और ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है तो उसके ऊपर जो भी फैसला आएगा तो उसके आधार पर हायर पेंशन का भुगतान किया जाएगा, ऐसा इस पत्र में कहा गया। तो ये दोस्तों ईपीएफओ द्वारा ये जो पेंशन में रिवीजन के लिए यहाँ पर ये जो लेटर लिखा गया था तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।